फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। अब मैं जा रही हूँ स्कूल में और बच्चों को आज पेपर दिखाने वाले हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं ली हूँ, बस यही थोड़ा सा क्लिप ली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है और अब हो गई है शाम। इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। रमज़ान में सुबह सुबह उठ के जाना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे पास हो गए हैं। और ये मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुले, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, स्वीट डिश है और बहुत ही सिंपल, बहुत कम इंग्रेडिएंट से। मैंने इसमें राइस फ्लोर लिया है और गेहूं का आटा लिया है, शक्कर डाली है और ये मैंने थोड़ी सी चुटकी भर नमक डाला है। अब मैं इसे पानी से इसे मिक्स कर लूँगी और इसका एक अच्छा सा गाढ़ा बैटर बना लूँगी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मिक्स करके रख देंगे और ताकि ये अच्छे से इसके शक्कर वगैरह सारे घुल जाए। और राइस फ्लोर तो अपना चॉइस है, मतलब हम एक्सेप्शनल है, अगर हमको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो ना डालें। और ये देखिए, गाढ़ा सा एक हमने बैटर बना लिया है। और राइस फ्लोर से ऐसा होता है कि थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मुझे क्रिस्पी गुलगुले ज़्यादा पसंद है और इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाल भी फ्राई करती हूँ। और चलिए मैं अभी इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में एक स्वीट डिश है। और ये देखिए, अब इस तरीके से इसे थोड़ा 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 करके डाल देंगे। बच्चों को तो पसंद आता है ये, और बड़ों को भी पसंद आता है, और मुझे भी पसंद है जब ये क्रिस्पी बनता है। और जब ये नरम बनता है ना तो मुझे कम पसंद आता है। इसके लिए मैं इसमें राइस फ्लोर डालती हूँ और इसे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कुक करती हूँ ताकि ये एकदम से क्रिस्पी लगे। और ये देखिए, हमारे गर्मा गर्म गुलगुले तैयार हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो चिकन बाउल। और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर। चिकन बॉईल करके मैंने डाला है, बटाटा बॉईल कर लिया है, ऑनियन भी हमने काट के डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पीस लिया है। और इसमें हमने डाल दिया है ब्रेड क्रम्स और ये सारे मसाले, और सॉल्ट भी डाल देंगे और चिकन को भी हम पीस के डालेंगे और इस तरीके से पीस लेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सा रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। और ऑनियन भी मैंने कट करके डाल दिया था, धनिया भी कट करके डाल दिया था। और मैं साथ साथ में शॉर्ट्स के लिए भी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो इस वजह से कुछ क्लिप्स शायद ऊपर नीचे हो गए हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा बनता है और इसे अब अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम लगा के फिर फ्राई करेंगे। इसमें चाहे तो हम चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर हम इसमें चीज़ डालेंगे तो ये चीज़ बॉल बन जाएगा। और चिकन की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखें, ज़्यादा कम, और पटाटे की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से रखें। और इस तरीके से इसे कोट कर लेंगे और सारे बॉल्स को कवर कर लेंगे, फिर इसे हम डीप फ्राई करेंगे। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, मैंने सब कोट कर लिया है, अब इसे फ्राई करने लगी हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे, इसे डीप फ्राई करेंगे। और आज मैं जा रही हूँ इफ्तारी के बाद, मेरी भतीजी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने MBBS का पास कर लिया है, वो डॉक्टर बन चुकी है और हम उसी के सरप्राइज़ देने जाने वाले हैं। हम सारी बहनें हम उसको सरप्राइज़ देने जाने वाले हैं, बच्चे भी जाने वाले साथ में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हमारी फैमिली की फ़र्स्ट MBBS डॉक्टर है वो, हमको बहुत ज़्यादा प्राउड है उसके ऊपर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने क्लियर कर लिया है बहुत ही अच्छे नंबरों से। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी फैमिली के लिए। और आप लोग भी उसके लिए बहुत दुआएं करना, अल्लाह ताला उसे और कामयाब करे इसी तरीके से। और ये हमने डीप फ्राई कर लिया है और अभी इसको सरप्राइज़ देने के लिए हम कुछ प्लान्स भी कर रहे हैं। मैंने केक का भी ऑर्डर दे दिया है, बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा, डॉक्टर के हिसाब से मैंने ऑर्डर दिया है। और ये देखिए, हमारे बातों बातों में ये बॉल्स भी तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। इसे मेयोनीज़ या सॉस या चटनी, जैसे भी आपको पसंद हो वैसा खा सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरी बेटी ये बना रही है अपनी कज़िन के लिए ये डॉक्टर वाला कार्ड, और हैंडमेड ही बना रही है। मैंने कहा कि ख़रीद लो, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे हैंडमेड ही चाहिए। और ये हमारा केक भी आ चुका था, लेकिन हम बहुत लेट हो रहे थे क्योंकि इफ्तारी के बाद निकलते निकलते तो लेट ही हो जाता है,
तो मैं, अरीबा, उमर और यूसुफ़ आमिना, हम पांचों जन जा रहे हैं। हमने ओला बुक कर लिया है और मेरा तो मन था मेट्रो से ही जाने का, पर मेरे हस्बैंड ने कहा चारों बच्चों को ले जा रही हो और रात का टाइम भी हो गया है तो उनको तो तरावी पढ़ना था, इसके लिए वो नहीं आए। और इधर थोड़ा सा मूवेबल ट्रैफिक था, कोई ख़ास तो नहीं था, लेकिन मेट्रो इतने आसानी से चली जाती है ना कि थोड़ी सी भी ट्रैफिक बहुत बुरी लगती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैंने उसका ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उसे कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, तो भी मैंने थोड़ा बहुत तो क्लिप लिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हम सारी बहनें आए थे और मतलब उसकी, और मेरी भतीजी का नाम है फरहीन, मैंने ये तो बताया ही नहीं। और फरहीन हम लोगों को आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने भाई के घर। और इफ्तारी के बाद तो कहीं जाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, इतना थकान सा लगता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम सारे लोग इतने खुशी खुशी गए थे और मेरी भतीजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये देखिए, ये है इसका घर। और इफ्तारी के बाद तो कुछ खाने को हो नहीं रहा था, लेकिन भाभी तो कुछ ना कुछ लेकर आ रही थी कि ये खा लो वो खा लो। और ये देखो, मेरी भतीजी केक ओपन करके देख रही है। और ये देखिए, माशाल्लाह, मैंने इस तरीके का केक ऑर्डर किया था। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर फरहीन। और मुझे इतना ज़्यादा खुशी था, मुझे क्या, हमारी पूरी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। हमारी फ़र्स्ट डॉक्टर है हमारी फैमिली की, और अल्लाह ताला इसी तरीके से उसे और ज़्यादा कामयाब करे। और ये उसकी बहन ने भी उसके लिए गिफ्ट लाई थी, तो वो उसे ओपन कर रही थी, तो माशाल्लाह फरहीन भी बहुत खुश हो गई थी। और अब हमने उनसे ग्रैंड पार्टी लेने वाले हैं अपने भाई से, और इंशाल्लाह फिर हम उसे दोबारा गिफ्ट देंगे। और हम वेट कर रहे हैं, ईद के बाद हम इंशाल्लाह पार्टी मनाएंगे। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए हैं और भाई तो मेरे तरावी पढ़ने चले गए थे, उनको भी नहीं पता है कि हम आ रहे हैं, आए हुए हैं, और भाभी को भी नहीं पता था। लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और सारी चीज़ें हमको सर्व कर रही थी। और ये देखिए, मेरी भाभी की कैट है, और इतनी प्यारी कैट है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है, पर ये किसी के पास आती नहीं है। मैं इसको देख देख के खाली ऐसी दूर दूर से रहती हूँ, और ये गुस्सा बहुत ज़्यादा होती है। और भाभी की इस कैट का नाम है ज़ारा। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। और ये मेरा भतीजा आ चुका है, वीडियो ऑन होते ही नखरे करने लगता है। और भाई ने आकर फिर काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया था, हम वही खा चुके हैं। मैंने खाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी लेना था, लेकिन देखिए इस तरीके से भाई ने ऑर्डर कर दिया था। और अब फाइनली हम केक कटिंग करने जा रहे हैं। सारे लोगों ने केक लेकर आए थे, किसी ने मिठाई लेकर आया था, तो अब जितने केक हैं हम सारे केक कट कर रहे हैं। और बहुत टेस्टी केक था, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं हो रहा था, इसके लिए भाभी ने सबको पार्सल दे दिया, क्योंकि हमने कोई भी नहीं खाया। जितना मतलब मेरी भतीजी ने हमको जो कट करके जो टेस्ट कराया, बस हमने उतना ही खाया, क्योंकि इफ्तारी के बाद वैसे भी खाना खाने नहीं होता है। और फिर भी हमने खाना भी खा लिया, तो अब केक खाने की तो कोई जगह ही नहीं थी। और अब केक कटिंग होने जा रहा है, और मेरी भतीजी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमने इस तरीके से सरप्राइज़ दिया। और आप लोग भी मेरी भतीजी के लिए बहुत दुआएं करना, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा कामयाबी दे, आमीन। बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता है, और जब बच्चे कुछ अचीव कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे सामने का बच्चा, चाहे मेरा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि उसको बयान भी नहीं कर सकते वर्ड्स में। और ये देखिए, भाभी हमारे लिए सबके लिए पार्सल पैक कर रही है। और ये है ज़ारा, जो मुंह फुलाए बैठी है, उसे पब्लिक देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इतनी प्यारी लगती है, माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती है। और फाइनली अब हम जा रहे हैं घर, और मेरा भांजा छोड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो ओला से जाना सेफ़ नहीं है। सेफ़ तो है, पर हम कंफर्टेबल नहीं है, तो इसके लिए भाई ने मेरे भांजे को भेज दिया है कि वो छोड़ कर आ जाए। और अल्लाह ताला मेरी फरहीन को इस तरीके से और कामयाब करे, और सारे बच्चों को, दुनिया के सारे बच्चों को कामयाब करे। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद अल्लाह रखिएगा। हाफिज़।